हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। श्रेणी का कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे हम, तो आज जो हम यहाँ टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, जैसे हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, एक स्पेशल श्रेणी होती है ये भी। तो श्रेणी क्या है, पहले उस श्रेणी को लिखेंगे कि ये जो श्रेणी है इसका टाइप है 1/(n^p)। इसको लिख सकते हैं हम 1/1, और ये 1/2(p), ऐसे इसको 1/p भी लिख सकते हैं, और ये 3/p और 4/p, और इसकी nth टर्म होगी (n^p)। तो ये जो श्रेणी का टाइप है, इस तरह की अगर कोई श्रेणी लिखी हुई है तो इस श्रेणी का नाम है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो इसका जो कन्वर्जेंस है उसके क्या रूल है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी यदि p>1। तो एक कंडीशन तो ये है कि ये श्रेणी अभिसारी या कन्वर्जेंट होगी यदि p>1, और इसका जस्ट अपोजिट कि ये श्रेणी अपसारी होगी। तो ये श्रेणी इस टाइप की, ये नेचुरल नंबर्स है और हर नेचुरल नंबर पे पावर है p, और कहाँ पे हैं ये नंबर्स, डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस टाइप की जो भी श्रेणी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहते हैं इसको। अभिसारी कब होती है, जब p>1, एंड अपसारी होती है फिर जो बाकी बची वैल्यूज़ पर, कि <= 1 होगा तो फिर ये श्रेणी होगी अपसारी या डाइवर्जेंट। तो ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बाद में, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि ये तीन टेस्ट हैं कंपैरिजन के, फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट वापस वहीं से स्टार्ट करेंगे कि दो श्रेणियां हैं, दोनों पॉजिटिव जो टर्म्स हैं उसकी श्रेणियां हैं, मींस प्लस में चल रही हैं, कोई माइनस नहीं है श्रेणियों के बीच में। कि उसके बाद में जो टेस्ट है वो इस टाइप से अप्लाई है कि un/vn पे अगर हम लिमिट लगाते हैं कि दो श्रेणियां हैं, दो श्रेणियों का अनुपात, कि हम कोई श्रेणी है उसको इस टाइप से डिवाइड कर सकें कि ये श्रेणी अलग है और ये श्रेणी अलग है, उन दोनों का अनुपात यानी un/vn, उस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे n→∞। और अगर वो वैल्यू क्या आती है, एक फाइनाइट नंबर आती है, तो एक रिजल्ट निकलता है कि या तो वो दोनों श्रेणियां अभिसारी होंगी और या वो दोनों श्रेणियां अपसारी होंगी। होंगी क्या वो हमको अभी फिक्स नहीं है कि दोनों अभिसारी हैं या अपसारी हैं, ये नहीं पता। लेकिन अगर ये फाइनाइट नंबर आता है तो दोनों श्रेणियां सेम होंगी, मीन्स या तो अभिसारी ही होंगी और या अपसारी ही होंगी। नेक्स्ट, थर्ड कंपैरिजन टेस्ट, लास्ट इसी का, तुलना परीक्षण का। तो इसके भी दो स्टेटमेंट है, जैसे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के थे वही, कि σvn अभिसारी है तो σun भी अभिसारी होगी, कि ये अभिसारी है तो ये भी अभिसारी होगी। यदि किसी विशेष पद के पश्चात, मींस एक फिक्स नंबर हमने ले लिया कि विशेष पद के पश्चात n≥n0, ये एक निश्चित नंबर होगा, फिक्स नंबर होगा, कि इस एक फिक्स नंबर के बाद में un/un+1 > vn/vn+1, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो un अभिसारी है तो vn भी अभिसारी, सॉरी vn अभिसारी है तो un भी अभिसारी होगी। तो ये तो हमको याद ही रखना है, और स्टेटमेंट भी याद रखेंगे, और इस पे डिपेंडेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट यही है कि σvn अभिसारी है तो un भी अभिसारी होगी, यदि किसी विशेष पद के पश्चात, विशेष पद, वो विशेष पद हमने क्या लिया है, n0 के बाद (for all n > n0, यानी कि n0 के बाद में ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये n0 क्या है, एक निश्चित संख्या या एक फिक्स नंबर। तो ये कंडीशन un/un+1 > vn/vn+1, तो ये कंडीशन, तो श्रेणी कैसी, अभिसारी।
सेम इसी का अपोजिट है कि VN अपसारी है तो UN भी अपसारी होगी यदि किसी विशेष पद के पश्चात फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, ये वापस से एक फिक्स नंबर हमने ले लिया n नॉट, जिसके बाद में n नॉट के बाद में कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट कि इसके बाद में ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि UN अपॉन UN प्लस वन इज लेस देन VN अपॉन VN प्लस वन। तो ये एग्जांपल है वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री या वन अपॉन फैक्टोरियल फोर। तो अगर इस श्रेणी को हम सिग्मा UN के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा UN इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल वन, वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और एंड सो ऑन। तो ये तो श्रेणी है हमारी, ठीक है। अब इस श्रेणी का सम फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, क्योंकि ना तो ये जीपी है ना ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। तो पहले तो अब हमको इस श्रेणी को देखो किस तरह से चेंज करेंगे। ये वन अपॉन फैक्टोरियल वन है, फैक्टोरियल टू क्या होता है, टू इंटू वन यानी टू। ऐसे ही फैक्टोरियल थ्री क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये थ्री इंटू टू। और एक फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फोर क्या होता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमको उस वाली फॉर्म में ले जानी है श्रेणी जो फॉर्म हमको पता है। और अब तक हमने श्रेणी कौन सी पढ़ी है, एक तो गुणोत्तर श्रेणी और एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो कुछ उस टाइप से हम इस श्रेणी को बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कि ये टू का फैक्टोरियल टू होता है, थ्री के फैक्टोरियल को अगर हम इस थ्री इंटू टू को टू इंटू टू लिखें तो ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी। और इस टू इंटू टू को ही हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इससे तो बड़ी है, ये छः है और ये चार है। और अगर इसी को हम अपोजिट में लिखें तो ये वन अपॉन टू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन थ्री का फैक्टोरियल, कि अभी तो ये वैल्यू बड़ी है लेकिन जैसे ही अपॉन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना। तो ये कंसेप्ट हमने निकाला है इसका कि ये जो फैक्टोरियल है इसको स्क्वायर में चेंज कर दिया अब हमने, कि ये जो टू था इसको हमने यहाँ पे ये थ्री फैक्टोरियल को टू का स्क्वायर बना दिया। ऐसे ही देखो तो अब ये वन, ये टू और ये टू का स्क्वायर, इस तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं कि अगर ये फोर इंटू थ्री इंटू टू है इसको हम लिख दें टू इंटू टू इंटू टू, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन ये लेस देन। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री। तो ये कंसेप्ट हमने लिखा है कि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, लेकिन जैसे ही अपॉन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी बड़ी और ये हो जाएगी छोटी, ठीक है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्योंकि हमको श्रेणी को उस फॉर्म में लेके आना है जो हम जानते हैं। और हम क्या जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, और अभी एक श्रेणी और हमने पढ़ी है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो ये जो वैल्यू थी 4 इंटू 3 इंटू 2, ये जो वैल्यू है 4 तिया 12 और 12 दूना 24, तो ये 24 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 से ये तो बड़ा है। और जैसे ही इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू अब जो छोटी थी वो बड़ी और जो बड़ी थी वो छोटी हो गई, तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब देखो कि यदि सिग्मा वी एन, ये श्रेणी को तो हमने क्या लिखा था, यू एन, अब जो हमने इसको रिप्लेस किया है इन टर्म्स को, इसको हम श्रेणी बनाते हैं एक दूसरी, क्या श्रेणी, सिग्मा वी एन। कैसे बनेगी, देखो ये वन अपॉन फैक्टोरियल वन, ये तो वन लिख सकते हैं इसको, वन अपॉन फैक्टोरियल टू, टू की वैल्यू क्या, टू, तो ये लिख दिया। फैक्टोरियल थ्री को हमने रिप्लेस किया था वन अपॉन थ्री स्क्वायर से, कि ये जो वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री है इसको किससे रिप्लेस किया, वन अपॉन टू के स्क्वायर से।
ऐसे ही 1/4, ये इसको हमने रिप्लेस किया है 2^3 से, कि यदि vn बराबर दिस लें तब, कि अगर हमने ये एक अलग से श्रेणी बनाई है इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, कि अगर हम ये vn श्रेणी लेते हैं तो ये जो un है, कि ये जो श्रेणी है vn, ये इसका मान इससे तो बड़ा है कि यहाँ पे ये टर्म इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, तो जो un में जो एक पर्टिकुलर टर्म है उससे बड़ी हम ले रहे हैं हर टर्म, तो मीन्स un वाली श्रेणी तो हो गई छोटी और ये श्रेणी इससे हो गई बड़ी। तो ये कंडीशन एक अप्लाई हुई हमारे पास कि अब जो ये un है इस vn से छोटी है, तो अब हम इसको चेक करेंगे vn को। vn कैसी श्रेणी, कि ये जो vn है सिग्मा vn, ये कैसी श्रेणी बन गई, अब गुणोत्तर श्रेणी। सिग्मा vn एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका सार इसका गुणोत्तर माध्य, इसका गुणोत्तर माध्य देखो 1/2 1+x+x2+x³, जिसमें 1/2 गुणोत्तर माध्य क्या है 1/2, और ये किससे लेस देन 1 से, कि जब लेस देन 1 होता है गुणोत्तर श्रेणी में, कि गुणोत्तर माध्य श्रेणी क्या लिखी थी हमने जीपी, कि जीपी क्या होती है 1+x+x² + x³, ये जीपी होती है, और ये जीपी कन्वर्जेंट होती है कब, जब x लेस देन 1 हो, और डाइवर्जेंट होती है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, और डाइवर्जेंट कब होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो। तो ये तो ज्योमेट्रिक्स जो प्रोग्रेशन है उसका रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले एक वीडियो है गुणोत्तर श्रेणी का, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट होती है अगर x लेस देन 1 है, और यहाँ पर x क्या है गुणोत्तर माध्य 1/2 है जो लेस देन 1 है। अतः सिग्मा vn कैसी श्रेणी, अभिसारी, अभिसारी है। और एक कंडीशन यहाँ पे लगी है हमारे पास, सिग्मा un इज लेस देन इक्वल्स टू vn, ये कंडीशन ये कंडीशन हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में लिखी थी, कि यदि vn अभिसारी है तथा un इज लेस देन इक्वल्स टू vn तो un भी अभिसारी होती है। vn अभिसारी है तब प्रथम तुलना परीक्षण से, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रथम तुलना परीक्षण से सिग्मा un भी अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। तो कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ चुके हैं हम कि दो श्रेणियों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उसमें से एक श्रेणी का टेस्ट हम किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं। कि तो अब वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई है कि इसका हम कंपैरिजन, इसका टेस्ट हम नहीं कर सकते थे, फैक्टोरियल का सम कैसे करते हैं हम, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमने क्या बनाई, एक जीपी। उस जीपी से एक यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो यूएन है हमारी वो वीएन से क्या है, छोटी है। और अब वीएन को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीपी को चेक करने का तरीका तो हमको पता है कि जीपी में अगर गुणोत्तर माध्य एक्स का मान लेस देन 1 होता है तो ये श्रेणी कन्वर्जेंट होती है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से हमको पता चला कि vn कैसी है, कन्वर्जेंट है, प्लस un इज लेस देन इक्वल्स टू vn है, कि ये श्रेणी अभिसारी है और ये इससे छोटी है, तो फिर ये भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, नोट करेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है, सीरीज लिखी हुई है, कन्वर्जेंस इसका चेक करना है हमको। तो सॉल्यूशन लिखते हैं कि यदि दी गई श्रेणी सिग्मा यू एन है, तो कि ये श्रेणी का जो सम है वो सिग्मा यू एन है, तो हम इसकी nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है अंडर रूट एन अपॉन 3n-1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो ये अंडर रूट एन, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं एन, एन कॉमन निकालेंगे तो ये एन और ये 3-1/n, यहाँ से और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट एन और एन, इसमें से अंडर रूट एन कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 1/√n और 3-1/n। तो ये एक श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी को हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, ये अंडर रूट एन है, इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1/2 और 3-1/n। ये श्रेणी यू एन। अब इस श्रेणी से हमको फाइंड करना है कि श्रेणी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अब देखो यहाँ हम एक श्रेणी मानेंगे कि माना सिग्मा वी एन, एक श्रेणी मानेंगे हम कि ये यू एन है, एक श्रेणी है कि सिग्मा वी एन 1/√n^2 कि ये वैल्यू। अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी n की पावर 1/2, तो इसको हम मान लेते हैं 1/√n^2। तब एक सेकंड कंपैरिजन टेस्ट हमने लिखा था यू एन अपॉन वी एन, तो वो हम अप्लाई करेंगे इसमें, कि अगर इस टाइप का कुछ श्रेणी बनती है कि उसमें यहाँ पे कोई n का पद अगर दिक्कत कर रहा है तो उसको हम दूसरी श्रेणी मान लेंगे कि ये एक श्रेणी है 1/√n^2। अब हम निकालेंगे यू एन अपॉन वी एन, यू एन अपॉन वी एन, यू एन की वैल्यू है 1/√n^2 3-1/n और वी एन की वैल्यू है 1/√n^2। सॉल्व करेंगे, देखो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1/2 और ये बचा n की पावर 1/2 और 3-1/n, कि भाई ये ऊपर ही रहेगा 1, ये नीचे आ जाएगा और ये 1 यहाँ नीचे ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं ये अपॉन वाला। तो अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट यू एन अपॉन वी एन। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो ये 1/2 n की पावर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/3-1/n। तो जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट 1/3-1/n, तो ये आएगा 1/3, कि ये तो हो गया 0 n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट से, और अब बचा 1/3। ये 1/3 नॉट इक्वल टू 0 और प्लस कैसा नंबर, फाइनाइट, फाइनाइट नंबर। तो जो हमने सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लिखा था कि अगर हम यू एन अपॉन वी एन में n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करते हैं और वो एक परिमित संख्या आती है और 0 के बराबर नहीं आती है, अशून्य परिमित संख्या आती है, तो दोनों श्रेणियाँ या तो अभिसारी होंगी और या अपसारी होंगी। ये हमारा सेकंड कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो अब दो श्रेणी है यू एन, जो तो हमको पता नहीं है कि ये अभिसारी है कि अपसारी है, इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये जो श्रेणी है सिग्मा वी एन, कि वी एन बराबर 1/√n^2, ये श्रेणी कैसी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, श्रेणी से
1/2 इज लेस देन 1, वहाँ पे n की पावर क्या थी, p, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी क्या है, 1/n p, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या आता है कंडीशन, कि ग्रेटर देन 1 पे ये श्रेणी अभिसारी होती है और लेस देन इक्वल टू 1 पे ये श्रेणी अपसारी होती है। तो अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 1/2, लेस देन 1, इसलिए सिग्मा वी एन अपसारी होगी, यहीं पर लिख सकते हैं सिग्मा वी एन अपसारी होगी। तो सिग्मा वी एन अपसारी होगी प्लस उसके साथ एक कौन सा कंपैरिजन टेस्ट हमने लगाया है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, तथा दिख रहा है द्वितीय तुलना परीक्षण से एक और स्टेटमेंट हम देंगे, तथा द्वितीय या सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से द्वितीय तुलना परीक्षण से सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी। तो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू अगर फाइनाइट नंबर आती है तो दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होंगी और या अपसारी होंगी। तो यहाँ पे ये हमारी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से इसका कंक्लूजन आ गया कि पी की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 इज लेस देन 1, और लेस देन 1 होती है तो श्रेणी होती है डाइवर्जेंट या अपसारी। तो ये अपसारी तो ये भी अपसारी होगी, ठीक है। तो कंपेरिजन टेस्ट यूज आया, उसके साथ हाइपर हार्मोनिक श्रेणी यूज आई, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट यूज आया और उसके साथ गुणोत्तर श्रेणी यूज आई। तो मींस अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी होंगी, कि सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा कि गुणोत्तर श्रेणी का रिजल्ट भी हम यूज़ करेंगे, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का रिजल्ट भी यूज़ करेंगे, और उसके साथ में कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट को याद रखेंगे, तीनों रिजल्ट उसके और हाइपर हार्मोनिक और गुणोत्तर श्रेणी इनके रिजल्ट, तो मींस टोटल मिला के 5 रिजल्ट हो गए आपके पास इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अभी। तो नोट करेंगे क्वेश्चन और आगे मिलते हैं इसके साथ और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम।